भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवादों में चल रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर सामने आई है। एक और परीक्षा पेपर लीक में जहां एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी भी इस पर जांच चल रही है, तो लगातार विवादों में रहने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हम लोग ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद इसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूंकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वर्तमान में यूके एसएससी पेपर लीक मामले की जांच चल रही है। एस राजू 2016 से चेयरमैन के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि मेरा किसी नेता से रिश्ता नहीं है और मैं मानता हूं कि कैंडिडेट्स को परेशानी हुई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने यूके एसएससी द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार को जांच के आदेश दिए थे, जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है और कई गिरफ्तारी अब तक एसटीएफ कर चुकी है। अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब आने वाले दिनों में जांच कहां तक पहुंचती है और बेरोजगारों को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।